आपको, इसको लेकर के क्या कहेंगे और कैसे अपने संगठन को और पूरे प्रदेश में मजबूत करेंगे? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश पर, तेजस्वी प्रसाद यादव का दिशा निर्देश पर, हमारे जयप्रकाश नारायण यादव जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, उनका दिशा निर्देश पर सारे लोग मिल करके, और हमारे अभय सिंह जो अध्यक्ष हैं हमारे झारखंड के, सारे लोग मिल करके निर्विरोध जो है मुझे संसदीय कार्य बोर्ड का जो है अध्यक्ष बनाया गया और जिम्मेवारी दिया गया। और हम लोग, मैं बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा दल है जिसमें जात पात पार्टी धर्म सब चीज़ को छोड़ करके ऊपर उठ करके और काम करते हैं। हम लोगों का, राष्ट्रीय जनता दल का इस बार निर्देश मिला है पूरे झारखंड में मजबूती के साथ जो है संगठन को मजबूत करना, पूरे स्टेट में घूम घूम करके पंचायत से लेकर के जिला स्तर पर जो है मजबूत करना। साथ साथ यह भी निर्णय लिया गया है कि इस बार जो है झारखंड में मुस्तैदी के साथ राष्ट्रीय जनता दल अपना कर्तव्य का जो है पालन करेंगे और पंचायत से लेकर जिला तक का जो भी संगठन है, युवा का संगठन हो, पार्टी मेन पार्टी का संगठन हो, और सारे विंग का जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेवारी दी गई है और 6 महीना का टारगेट दिया गया है। हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो है दिशा निर्देश हुआ है कि पार्टी को मजबूती से जो है इस बार हम लोगों को अपना काम करना है, जिम्मेवारी के साथ हम लोगों को काम करना है, और झारखंड स्टेट का जो है हमारे पूर्व एमएलए संजय यादव को जो है पार्टी का महासचिव जो है बनाया गया है। मुझे जो है ये जो है संगठन का मजबूत करने के लिए, पूरे स्टेट को मजबूत करने के लिए हम लोगों को जिम्मेवारी मिला है, पद मिला है। सिर्फ पद लेकर के हम लोगों को नहीं ढोना, हम लोगों को काम करना है, काम करके और लालू प्रसाद यादव का दिशा निर्देश पर पूरे झारखंड में जो है इस बार राष्ट्रीय जनता दल को, हम लोगों को संगठन मजबूत करना है और आने वाला भविष्य जो है राष्ट्रीय जनता दल का रहेगा, ऐसा संगठन हम लोगों को बनाना है, ऐसा जिम्मेवारी के साथ हम लोगों को संगठन बनाना है। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ झारखंड के जनता जिंदाबाद, हमारे लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद। इतना ही कहकर मैं पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेवारी लिए हैं और हम लोग जिम्मेवारी के साथ जो है काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे।